मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय हिंद। और आंख बंद करके कसम खाइए कि मैं अपनी पढ़ाई पूरे मन से करूंगा और हमेशा अपने देश के विकास में हमेशा सहयोग करूंगा। ठीक है बच्चों, हम लोग आ गए देखो बेटा फंक्शन के अगले वीडियो पर, और हम लोग रेंज निकालने के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख रहे थे। इसमें हम लोग रेंज निकालने के आज कुछ और अच्छे सवाल देखते हैं, है ना, क्योंकि देखो रेंज निकालना एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है मैथ्स में और थोड़ा टफ भी है, लेकिन आपको टफ बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि आप हरिओम बाबा के स्टूडेंट हो, आप हरिओम बाबा के चेले हो। ठीक है देखो समझो, मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि y इक्वल टू 4 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 और हमसे कहा जाए इस फंक्शन का रेंज बताइए। समझे, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, कुछ भी आ सकता है। अब तो आप रेंज में परफेक्ट हो गए ना, कई मेथड मैंने बताए, टी मेथड, याद है टी मेथड, बहुत ही शानदार होशियार खबरदार मेथड है टी मेथड। ठीक है देखो हम एक काम करें, 2 की पावर x को t माने। अब देखो क्या होगा, जैसे 2 की पावर x का स्क्वायर करोगे तो t स्क्वायर हो गया, ये क्या आ गया 2 की पावर 2x, तो ये क्या हो गया 4 की पावर x बराबर t स्क्वायर। देखो ये क्या बन गया, ये बन गया y बराबर t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। देखो t मेथड। अब हम क्या करें, अब हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं और इसकी रेंज देखें, और t क्या है, देखो t क्या है 2 की पावर x, 2 की पावर x कैसा होता, पॉजिटिव। अरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पढ़ लो भाई मेरे, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाया है, उसमें t क्या होता है, इसकी फंक्शन की रेंज हमेशा पॉजिटिव होती, ध्यान दो, तो t क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, t क्या हो गया बोलो ग्रेटर देन 0 हो गया। समझो, तो अब इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, आपको याद है इसका ग्राफ मतलब इसका ग्राफ y बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 फंक्शन का ग्राफ, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाना, मैंने सिखाया आपको, वीडियो देखिए पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ मैंने बनाना आपको सिखाया, वीडियो देखिए पढ़ा हुआ है, पढ़िए उसको ध्यान से। देखो क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 1, फिर क्या करेंगे डी बाई डी एक्स को 0 कर देंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया माइनस 1 बाई 2 हो गया बच्चे, समझ गए, x को माइनस 1 बाई 2 यहां पर रख देंगे वापस, x की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 रखो तो माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, तो y क्या हो गया 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, देखो y क्या हो गया 4 एलसीएम, तो 1 माइनस 2 प्लस 4 तो कितना हो गया बोलो 3 बाई 4, तो देखो यहां पर वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया है माइनस 1 बाई 2 कॉमा 3 बाई 4, ये हमारा वर्टेक्स हो गया, समझे, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बोलो पॉजिटिव, तो कैसा पैराबोला होगा बेटा ओपनिंग अप पैराबोला, वो देखो माइनस 1 बाई 2 3 बाई 4 ये इसका वर्टेक्स है, तो पैराबोला कुछ ऐसे करके ऊपर जाएगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट x को 0 रखेंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1, तो देखो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0, 1, तो ये इसका ग्राफ है इसका। देखो यहां पर t क्या है, t मतलब ये हमारा x एक्सिस को अब t कहेंगे क्योंकि ये इसका ग्राफ है, और t कैसा है पॉजिटिव, देखो ये हमारा t है और t कैसा है पॉजिटिव, तो अगर हम t की पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे, देखो वैसे इस ओवरऑल इसकी रेंज देखी जाए, देखो ये y की मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर है ना, माइनस 1 बाई 2 कॉमा 3 बाई 4 का मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन की, अगर हम इस फंक्शन की ओवरऑल रेंज देखेंगे तो देखो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर y की ये मिनिमम वैल्यू है क्योंकि देखो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स का y ये है, तो देखो ये वैल्यू क्या हो गई 3 बाई 4, ये डिस्टेंस हो गई 1 बाई 2 और ये डिस्टेंस हो गई 3 बाई 4, तो वर्टेक्स का y है, इसकी मिनिमम वैल्यू 3 बाई 4, लेकिन अब यहां पर चूंकि हमें t की पॉजिटिव वैल्यू देखनी है, अगर ओवरऑल फंक्शन की रेंज देखनी होती तो वो 3 बाई 4 से इंफिनिटी हो जाती, लेकिन ध्यान दो अब हमें t की केवल पॉजिटिव वैल्यू देखनी है, तो हमें ग्राफ का ये वाला पार्ट देखना है, मतलब ये वाला हिस्सा हमें ग्राफ का दिखाई देगा, केवल ये वाला हिस्सा, तो अगर हम केवल इस हिस्से को देखेंगे तो y की वैल्यू क्या जा रही, देखो यहां पर मिनिमम है, तो y क्या हो गया बोलो 1 से लेकर के इंफिनिटी, तो ये हमारी आ गई इस फंक्शन की रेंज।
बात समझे? ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ हमें इस फंक्शन को देखना है और टी यहां पर क्या है, पॉजिटिव। इस पॉइंट पर टी जीरो है, टी की वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब आगे जाएंगे, आगे जाएंगे मतलब ग्राफ का ये हिस्सा मिलेगा और इस हिस्से में वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी है बोलो वन और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई बोलो इन्फिनिटी। अरे भाई समझे कि नहीं समझे महाराज? आसान है ना? तो देखो टी मेथड का कमाल देखिए, बता दूं ये क्वेश्चन कई किताबों में गलत भी दिया गया है, थोड़ा होशियार सावधान रहना है ना। ठीक है, लिखो इसको ध्यान से और देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं अभी तेज के। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। नैन कजरारे काले नैन बाली ने हो। देखो अच्छो मान लो बस ये फंक्शन है y बराबर साइन स्क्वायर x प्लस साइन x प्लस वन और इस फंक्शन का हमको रेंज चाहिए है, कोई टेंशन नहीं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी कई बार पूछ चुका है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। कोई भी चीज ऐसी जो नॉन इंपॉर्टेंट होगी मैं बता दूंगा कि भैया पढ़ा मैं रहा हूं लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाना मेरा काम है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम किताबों में ढूंढोगे, तुम्हें इधर उधर किताबों में चीजें मिलेंगी, तुम्हारी कोचिंग के टेस्ट में आ जाएंगी, तुम परेशान होगे, टेंशन में आ जाओगे, देखो हरिओम बाबा ने पढ़ा ही नहीं। मैं पढ़ा दूंगा और ये बता दूंगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजें आईआईटी पूछता नहीं है, हमेशा ऐसा हुआ है ना, क्योंकि मार्केट में जो चीजें चल रही हैं बच्चों कई बार गलत रास्ते पर उलझा देती हैं, बच्चा ट्रैक से अलग हट जाता है, मतलब बच्चा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ता ही नहीं है, वो नॉन इंपॉर्टेंट चीजें और टफ टफ चीजों के पीछे सोचता कि जो टफ है वो इंपॉर्टेंट है। और ये जो मार्केट में आजकल चल रहा है ना ड्रामा है ना कि बच्चे को उलझा दो, टफ चीजों में इतना उलझा दो वो निकली ना पाए, इंपॉर्टेंट चीजें ही भूल जाए कई बार, उसका आईटी कभी नहीं होता फिर वो, या होता है तो अपनी रैंक गिरा लेता है नीचे वो। हर चीज टफ इंपॉर्टेंट नहीं होती, ध्यान रखना। हाँ कुछ टफ चीजें भी इंपॉर्टेंट है लेकिन जो बताऊंगा मैं इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तरीका ये बेटा पुराने पेपर देखो आईआईटी के, आईआईटी ना मेरे कहने से पेपर बनाएगा ना किसी कोचिंग वाले कहने से पेपर बनाएगा, ध्यान रखना। आईआईटी पेपर बनाएगा हमेशा अपने स्टाइल से और उसका स्टाइल समझने के लिए उसके पुराने पेपर की स्टडी करो। मैं बता रहा हूँ बार बार, अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो आईआईटी के पुराने क्वेश्चन करना जरूरी है, ध्यान देना, और वो सब निकल जाएंगे, जो पढ़ा रहा हूँ उससे सब निकल जाएंगे। मैं कराऊंगा भी आगे, मैंने कराए हैं पीछे पहले भी कई सारे क्वेश्चन, जैसे कई तो डायरेक्ट करा दिए, कई उससे मिलते जुलते करा दिए, है ना। बुकलेट आती है पूरी लास्ट 30 ईयर 35 ईयर 40 ईयर्स तक की, ऐसी बुकलेट आती है, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं, किताब खरीद लो चैप्टर वाइज, उसमें सारे क्वेश्चन एक साथ आपको एक चैप्टर के मिलेंगे, उसको करो अभी नहीं, पहले टॉपिक को पढ़ो, पहले सारा मेरा समझो, ऐसे सवाल वो नहीं निकलेंगे, पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस थ्योरी को कंप्लीट पढ़ो पहले, उसमें ही बहुत से सवाल आईटी के होते हैं, मैं जब बताता हूँ तो होते हैं, ठीक है, उसमें कई सवाल ऐसे होते हैं जो आईटी के होते हैं, मैं बीच बीच में कराता रहता हूँ, ठीक है, और वो तुम्हारे सवाल आराम से सारे निकल जाएंगे आईटी के, शायद ही तुम्हें किसी में कोई तकलीफ हो। एडवांस के सवालों में एक आध जरूर दिक्कत हो सकती है, एक आध में, ज्यादा नहीं। देखो एडवांस के सवाल तो बेटा फिर एडवांस के सवाल हैं, वो आप 100% नहीं निकाल सकते। एडवांस का पेपर जो आईटी का आजकल आ रहा है वो थोड़ा टफ आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें सिलेक्शन के लिए करना ही कितना होता है, मुश्किल से 30-35% करना होता है, 40-45% कर दिया तो रैंक अच्छी है जाती, सोचिए है ना। जो पेपर आजकल आ रहा है थोड़ा टफ तो आ रहा है, टफ क्या मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा घुमा देते हैं, कॉन्सेप्ट तो ईजी होते हैं लेकिन एक में ही कई कई चार चार पाँच पाँच चीज़ें लगा देते हैं, तो वो भी आप निकाल लोगे, लेकिन पहले आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए। देखो ध्यान दो, रेंज निकालना है हमेशा, देखो ऐसे सवालों में टी मेथड, देखो ध्यान दो, जैसे कि अगर मैं साइन एक्स को टी मान लूं तो वाई बराबर क्या हो गया, वाई बराबर हो गया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। अब देखो टी, टी मतलब साइन एक्स,
साइन एस की रेंज क्या होती है? माइनस वन से वन, तो मतलब टी की रेंज क्या हो गई? माइनस वन से वन हो गई, समझे? टी की रेंज क्या हो गई? साइन एस की रेंज, मतलब माइनस वन से वन। अब इसका ग्राफ बना लो, ये फंक्शन कैसा अभी अभी हमने बनाया, अभी तुरंत हमने बनाया, देखो ग्राफ इसका वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ग्राफ तुरंत मैंने बनाया था अभी। कोई भी क्वालिटी को मैंने जानबूझ के वही लिया, इससे ग्राफ बराबर मुझे ना बनाना पड़े, कोई भी क्वालिटी को ग्राफ आप बना सकते हैं उसका। तो देखो जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया था, इसका वर्टेक्स कुछ ऐसे आया था, देखो ये आया था यहाँ पर कुछ, ये माइनस वन बाई टू कॉमा थ्री बाई फोर, ये इसका वर्टेक्स आया था, ठीक है? बना लो, तुरंत मैंने बनाया पिछले क्वेश्चन में, देखो माइनस वन बाई टू कॉमा थ्री बाई फोर, तो ये डिस्टेंस हो गई वन बाई टू और ये क्या हो गया बोलो थ्री बाई फोर। अब देखो ध्यान दो, समझो, देखो ये हमारा टी एक्सिस है, टी है ना, जब ये ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस होता है, जब ये ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर ये टी हो गया टी एक्सिस। अब देखो टी की वैल्यू कहाँ जा रही, टी जा रहा है माइनस वन से लेकर के वन तक, देखो यहाँ पर कहीं ऐसे करके ये होगा फंक्शन हमारा, तो टी की वैल्यू क्या हो गई बोलो, यहाँ पर कहीं वन हो गई, वन टी बराबर वन, और यहाँ टी बराबर क्या हो गया माइनस वन। अब देखो अगर हम टी बराबर वन पर देखें तो वाई की वैल्यू क्या है, देखो अगर हम टी इक्वल टू वन पर देखें, समझो तो t बराबर 1 अगर हम लें तो देखो t बराबर 1 क्या होगा, t बराबर 1 पर y की देखो वैल्यू 3 हो गई, देखो यहां पर y की वैल्यू हो गई 3, और t बराबर माइनस वन पर देखो, t बराबर माइनस वन अगर हम इसमें रखें, t बराबर माइनस वन रखें तो y क्या हो गया 1 माइनस वन प्लस वन, तो y बराबर कितना हो गया 1, तो t बराबर माइनस वन पर देखो y की वैल्यू 1 हो गई। तो देखो यहां एक्चुअली कुछ ये होगा ऐसे करके, क्योंकि देखो यहां पर भी जीरो पर भी वाई की वैल्यू वन है और यहां पर टी बराबर माइनस वन पर भी वाई की देखो वैल्यू वन हो गई। तो अब हमें देखो माइनस वन से वन तक जाना है, समझिए अब हमें जाना है कहां से कहां बोलो, माइनस वन से वन तक जाना है। देखो टी की वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस वन से वन तक। तो देखो ये रहा हमारा ग्राफ माइनस वन और वन के बीच में, अब सोचिए इतना ग्राफ देखना है क्योंकि t माइनस वन से वन तक है केवल बस। तो इस ग्राफ में अगर तुम ध्यान से देखो तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, देखो इस पॉइंट पर वर्टेक्स पर कितनी है 3 बाई 4 और मैक्सिमम कितनी है 3, तो फंक्शन की रेंज क्या हो गई, फंक्शन की रेंज हो गई बोलो 3 बाई 4 से लेकर के 3, और ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया है ना। फंक्शन की देखो मिनिमम वैल्यू कितनी है 3 बाई 4 और मैक्सिमम कितनी है 3, बताओ बताओ, बस समझ आई ना, क्योंकि t माइनस वन से वन तक जाएगा। तो इस ग्राफ को केवल देखना है, बस इस ग्राफ को, बाकी आगे पीछे ग्राफ नहीं देखना, यही t मेथड है कि एक को कुछ मान लो तो कुछ नया फंक्शन बन जाए उसके ग्राफ में, उसको समझ लो। ये बात तुमको मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, इसको बोलते हैं t मेथड। बहुत ही शानदार, होशियार, जायकेदार, लज्जतदार, मसालेदार, खबरदार, होशियार, क्या क्या जो कहना कह लो, ये सारा मेथड है ये, ठीक है, समझे? देखो जैसे कई बार बच्चे क्या समझते हैं कि जैसे ये साइन फंक्शन है तो साइन की मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो आंसर मिलेगा, मैक्सिमम रखेंगे तो आंसर मिलेगा, ना ऐसा हमेशा नहीं होता। देखो टी की मिनिमम वैल्यू माइनस वन है, अगर माइनस वन यहाँ रखोगे तो वाई की वैल्यू वन, देखो कहाँ मिनिमम नहीं है, हाँ टी बराबर वन रखोगे तो वाई की वैल्यू मैक्सिमम है, ये बात सही है, वो बाई चांस है। टी बराबर वन रखोगे वाई की वैल्यू कितनी हो गई 3, देखो मैक्सिमम 3 है, लेकिन t बराबर माइनस वन रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 1, जो इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो ये मत समझना कि उसकी मिनिमम रख दें, उसकी मैक्सिमम रख दें तो आंसर मिल जाएगा, ना ना ना, नेवर नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा, ये महापाप है, महा अत्याचार है, हम आंदोलन करेंगे खिलाफ इसके, ऐसा करोगे तो, समझ गए? तो देखो बच्चों t मेथड कुछ भी हो, अब देखो साइन एस की जगह फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हो सकता है, हम सवाल ऐसे लिख दें, देखो ये लिख दें कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन, तो वही काम करोगे क्या कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को टी मानोगे, और टी की वैल्यू क्या हो गई, टी हो गया जीरो वन के बीच में, तो बस ग्राफ को जीरो और वन के बीच में देख लोगे। यहाँ पर मॉड एक्स हो सकता है, और मॉड एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव। देखो यहाँ पर टू की पावर एक्स पिछले क्वेश्चन में देखा ही था हमने, इसमें लॉग एक्स भी हो सकता है, फिर लॉग एक्स को टी मान लेंगे, और उसकी खुद की रेंज, लॉग एक्स की खुद की रेंज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है ना, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये क्यूबिक भी हो सकता है,
खुजली हो गई सर में भाई, खुजली खुजली खुजली, समझ गए? ये क्वाड्रेटिक ही नहीं, देखो ये क्यूबिक फंक्शन भी हो सकता है, उसके भी हम रेंज निकाल सकते हैं, और एक के बाद एक दो तीन फंक्शन भी हो सकते हैं, उसकी भी रेंज निकाल सकते हैं। क्या बात कर दी भाई साहब। बोले लिखो, जल्दी लिखो इसको। हाँ, थोड़ा पानी पी लिया जाए यार, तुम भी थोड़ा पानी वानी पी लिया करो यार। राधा क्यों गोरी, अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुझसे दूर मैं, जब भी तू सीता बने राम बनूंगा, जब भी तू राधा बने श्याम बनूंगा। मान लो ये सवाल है, बड़ा ही शानदार होशियार सवाल है बच्चों, ये इसका रेंज चाहिए, समझ लीजिए बाप, रेंज चाहिए। बहुत टेंशन है, बहुत ही टेंशन है, इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन है कि बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, बिलख रहा है, पूरा घर सर पे उठा रखा है ना, रोता है, दिन रात रोता है बच्चा, बेड पे उल्टा लेट के रोता है ना। अरे बच्चा रोता है यार, तुम थोड़ी, तुम बच्चे थोड़ी हो यार, तुम तो बड़े हो चुके हो अब, तुम तो मस्त मस्त डोमेन रेंज के सवाल निकालते हो। देखो ये सवाल है, सवाल क्या, सवाल यह है, टेंशन नहीं करना। क्या है देखो, साइन एक्स को टी मान लिया, सवाल खत्म हो गया। वाई बराबर टी की पावर थ्री माइनस थ्री, अब इसका ग्राफ बना लो, और टी क्या हो गया, टी हो गया माइनस वन और वन के बीच में, सवाल खत्म हो गया। अरे इसका ग्राफ बना पाओगे ना, क्यूबिक का ग्राफ सिखाया कि नहीं? मैंने सिखाया बेटा, मैंने सिखाया, मैंने स्वयं अपने हाथों से तुमको सिखाया ग्राफ, तो बनाना आना चाहिए आपको ना। वीडियो देखो पुराने पड़े हुए बेटा, पुराने वीडियो पड़े हैं बेटा मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे काले, मेरे गोरे। ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ प्रतियोगिता, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, देखो क्या होगा, डी वाई वाई डी एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, थ्री कॉमन आया, एक्स स्क्वायर माइनस वन, फैक्टर किया एक्स माइनस वन एक्स प्लस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, तो क्या देखेंगे बोलो, नंबर लाइन बनाया, एक्स का वैल्यू वन, एक्स का वैल्यू माइनस वन, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखो डी बाई डी एक्स पॉजिटिव है, कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और वन से इन्फिनिटी, और वन से इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग, देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स पॉजिटिव है, और देखो माइनस वन और वन के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, ये देखो डी बाई डी एक्स निगेटिव, फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग। ग्राफ समझो तैयार, फटाफट ग्राफ बनाते हैं, जब कॉनकेविटी अगर देखनी है तो डबल डेरिवेटिव देख लो, छोड़ो कॉनकेविटी यार, क्या करना, मारो गोली कॉनकेविटी को। गोली वोली नहीं मारना यार। ये सब चलता हो भाषा, अरे मारो गोली यार, नहीं गोली गोली नहीं मारना मेरे भाई, हाँ खाने वाली गोली मार देना। वो गोली गोली मत मार देना कहीं कि नहीं, ग्राफ को मारो गोली, कॉनकेविटी को ही मारो गोली। देखो माइनस वन से वन ये था, माइनस वन से वन, ठीक है, वन पर एक्स बराबर वन रखेंगे तो वाई का वैल्यू वन माइनस थ्री माइनस टू, देखो वन पर वैल्यू हो गई माइनस टू, ये देखो हो गई माइनस टू, और x बराबर माइनस वन रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ गया बोलो, माइनस वन प्लस थ्री तो प्लस टू, x बराबर वन रखा तो वन माइनस थ्री माइनस टू, x बराबर माइनस वन रखा तो माइनस वन प्लस थ्री प्लस टू, तो माइनस वन पर वैल्यू क्या आ गई बोलो, प्लस टू। और देखो माइनस वन के पीछे कैसा है भाई साहब, इंक्रीजिंग, फिर क्या है भाई साहब, डिक्रीजिंग, फिर कैसा है भाई साहब, इंक्रीजिंग। देखो ये कॉनकेविटी नहीं देखी, मुझे मालूम है जीरो के आगे कॉनकेव अप होगा, तुम चाहे देख लो डबल डेरिवेटिव से, और जीरो के पीछे कॉनकेव डाउन, मैं सिखा चुका हूँ, सारी बात सिखा चुका हूँ बेटा,
आपके लिए नई नई है, पुराने वीडियो देखिए, इसी प्लेलिस्ट में क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ के वीडियो पड़े हुए हैं, सब देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक बात आपको समझ में आएगी, बच्चा बच्चा पहचान जाएगा ग्राफ को, बच्चा बच्चा जान गया ग्राफ को, पहचान गया, समझ गए, देखो ध्यान दो, अब समझो क्या, देखो देखो, ओहो हो 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 हो, अब हमें ग्राफ लेना है कहां से कहां तक, माइनस वन से वन तक, देखो माइनस वन से वन तक लेना है ग्राफ को, तो इतने हिस्से में ग्राफ को देखना है बस, टी माइनस वन से वन तक, देखो ये ग्राफ हमें देखना है बस केवल, तो इतने हिस्से में देखो y की मिनिमम वैल्यू क्या, माइनस टू, मैक्सिमम क्या, प्लस टू, तो फंक्शन की रेंज क्या हो गई बोलो, माइनस टू से प्लस टू, टी माइनस वन, ठीक है, टी वन, इतने हिस्से में देखो, केवल इतने हिस्से ग्राफ देखो, आगे भूल जाओ पीछे भूल जाओ, इतने हिस्से में ग्राफ में y की मिनिमम वैल्यू माइनस टू, मैक्सिमम टू, ये फंक्शन की रेंज आ गई, सवाल कर सकते हैं इसे, अब यहां साइन एक्स की जगह लॉग एक्स भी हो सकता था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी हो सकता था, मॉड एक्स भी हो सकता था, उसको टी मानो और उसकी खुद की रेंज देख लो क्या है भाई, लॉग एक्स होगा तो टी मानोगे तो टी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मॉड एक्स को टी मानोगे तो टी क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को टी मानोगे तो टी क्या हो जाएगा, इसलिए देखो बेटा मैंने तुमको सारे के सारे फंक्शन शुरू में सिखाए मेरे बच्चे, वो सारे फंक्शन एक बार पढ़ो, दिमाग में रखो, उसको बिना पढ़े मैथ्स में कुछ नहीं होने वाला, कैलकुलस में कुछ नहीं होने वाला, मैं कैसे समझाऊं तुमको, अब तुम लेकिन समझ गए, ठीक है, लिखो जल्दी से, सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। देखो बच्चों ध्यान दो, एक और तुमको मैं अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, और फंक्शन की रेंज हमें चाहिए, अच्छा रेंज छोड़िए, पहले डोमेन निकालते हैं, चलो पहले डोमेन निकालते हैं, ठीक है, पहले फंक्शन की डोमेन निकालते हैं, देखो क्या होगा, इसकी डोमेन क्या होगी बोलो, अरे वन पर जीरो, थ्री पर जीरो, तो आर माइनस वन कॉमा थ्री, बच्चों वाला सवाल, डोमेन का मतलब तो वन थ्री नहीं आएगा डोमेन में, अच्छा अब रेंज कैसे निकले, देखो ध्यान दो, इसमें बेटा एक फैक्टर ऊपर नीचे कट रहा है, अगर कभी किसी सवाल में कोई फैक्टर कट रहा हो तो काट दो, काट दो, रेंज निकालने में, रेंज में, डोमेन में नहीं, डोमेन में नहीं, डोमेन यही सही है, तो काट दिया फैक्टर, क्या बचा, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री बचा, फैक्टर काट दिया, लेकिन ध्यान दो, ये और ये क्या बराबर है, नहीं बराबर नहीं, तुमको मैंने बताया था इक्वल फंक्शन का कॉन्सेप्ट, देखो सारे वीडियो बेटा पहले पढ़े हुए हैं, इक्वल फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ध्यान दो, दो फंक्शन इक्वल तभी होते हैं जब उनका डोमेन बराबर हो, इसका डोमेन में से वन थ्री दो पॉइंट निकले, इसके डोमेन निकालोगे तो केवल थ्री निकलेगा, तो ये फंक्शन इसके बराबर नहीं है, ये फंक्शन इसके बराबर नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैं इसमें x नॉट इक्वल टू वन कर दूं तो अब ये इसके बराबर हो गया, मैंने बताया था कि अगर फंक्शन को बराबर करना है जबरदस्ती तो कॉमन डोमेन ले लो, इसका डोमेन वन थ्री निकला हुआ है, इसके डोमेन में से थ्री निकलेगा और वन को मैंने और निकाल दिया तो अब ये इसके बराबर हो गया, तो ध्यान देना जब भी कोई चीज काटते हैं तो ऐसा लिख देना, मैथ्स में अच्छा रहता है हमेशा, और अच्छी किताबें ऐसा लिखती हैं है ना, अच्छी किताबें जो होती हैं, अब अच्छी किताबें भैया कौन सी हैं,
मैथ्स में बड़ी समस्या है। अच्छी किताबें कौन सी हैं जहां तक लोगों ने टीपा टापा है। सॉरी 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 यार, बुराई किसी की नहीं, बुराई किसी की नहीं। चलो खैर जाने दीजिए। तो x माइनस वन फैक्टर कट गया, तो x को नॉट इक्वल टू वन लिखा। अब ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि इसके डोमेन में से भी वन थ्री निकला और इसमें से देखो थ्री निकलेगा और वन को वन निकाल दिया, तो दोनों बराबर। ये मैंने समझाया था बेटा इक्वल फंक्शन के केस में, ध्यान देना, फिर एक बार समझ लो। अब देखो इस फंक्शन का रेंज निकालो, तो वही रैशनल फंक्शन है, क्या होगा वाई एक्स माइनस थ्री वाई बराबर एक्स माइनस टू। एक्स कॉमन लिया तो वाई माइनस वन बराबर थ्री वाई माइनस टू, एक्स कॉमन लिया। एक्स की वैल्यू निकाली तो क्या हो गई बोलो, थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। अब देखो यहां पर वाई क्या नहीं हो सकता, वन नहीं हो सकता, तो इस फंक्शन का देखो जो रेंज आया वो क्या आया, आर माइनस वन आया, क्योंकि वन नहीं ले सकते, वन पर डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो क्या ये रेंज सही है, थोड़ा ध्यान दो ना, ये रेंज गलत है। देखो वजह क्या है, देखो देखो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट, तभी तुमको मैंने सवाल बताया। देखो तुम कह रहे हो कि x को 1 नहीं लेना है इसमें, तुम इसमें कह रहे हो x को 1 नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि 1 से 1 कटा है, इसमें x 1 नहीं हो सकता, लेकिन इसमें x 1 हो गया, लेकिन आपने 1 को निकाल दिया। अगर मैं इसमें x को 1 रखूं तो y क्या आएगा, देखो 1 माइनस टू अपॉन वन माइनस थ्री, तो माइनस वन बाई माइनस टू, वन बाई टू वाई आएगा। तो x बराबर 1 पर y 1 बाई टू आएगा, लेकिन चूंकि तुम 1 को ले नहीं रहे हो इसीलिए तुम y को 1 बाई टू नहीं ले सकते, चूंकि तुम 1 को नहीं ले रहे हो इसलिए तुम y को 1 बाई टू भी नहीं ले सकते, तो इसलिए रेंज में से ये वाला पॉइंट तो निकलेगा ही निकलेगा जो यहां दिखाई दे रहा है, और ये वाला पॉइंट भी निकलेगा 1/2। अब जाके हमारी रेंज का सही आंसर हुआ, एक पॉइंट तो यहां दिख रहा है वो निकलेगा क्योंकि वाई वन नहीं हो सकता, यहां दिख रहा, लेकिन ये 1/2 यहां दिख नहीं रहा। यही बच्चे गलती करते हैं, बच्चे नहीं बड़े बड़े बच्चे गलती करते हैं। तो 1/2 यहां दिख नहीं रहा, वो यहां से संभालना कैसे भाई, एक्स को वन ले नहीं रहे क्योंकि तभी तो ये इसके बराबर है, और अगर x 1 हुआ तो y क्या हो जाएगा बोलो, 1/2। तो इसीलिए हमने 1/2 को भी निकाल के बाहर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जब भी कोई फैक्टर काटे, आईटी ने पूछे ऐसे सवाल, पूछे बिल्कुल पूछे आईटी सवाल ऐसे, ध्यान देना। एक सवाल है tan 3x अपॉन tan x की रेंज निकालने का, आईटी सवाल ऐसा पूछा, उसमें यही दिक्कत होती है। हाँ बात समझे, लिखो लिखो लिखो, बताता हूँ मैं, लिखो जल्दी लिखो बताता हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। देखो बच्चों, मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, और हमसे कहा जाए इस फंक्शन का रेंज बताइए, ठीक। तो वन से वन काट दो तो एक्स स्क्वायर बचेगा, लेकिन x को नॉट इक्वल टू वन लिखो, x माइनस वन को x माइनस वन से काट दो, y बराबर एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यहां पर x को नॉट इक्वल टू वन लिखो, क्या समझे बोलो। अब इस फंक्शन की रेंज क्या होती है, एक्स स्क्वायर की रेंज, एक्स स्क्वायर की रेंज होती है जीरो टू इन्फिनिटी, बोलो। अब तुम कहोगे हमने वन नहीं लिया, तो एक्स बराबर वन पर वाई क्या आएगा,
वाई वन आएगा, लेकिन चूंकि तुम वन को नहीं ले रहे तो वाई बराबर वन भी नहीं लेना है, तो इसका मतलब रेंज का सही आंसर क्या होगा, जीरो टू इंफिनिटी माइनस वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर की रेंज ये होती है, लेकिन तुम एक्स को वन तो नहीं ले रहे, लेकिन एक्स बराबर वन पर वाई की वैल्यू कितनी होती, वन, एक्स को वन नहीं ले रहे तो वाई को वन नहीं ले सकते, तो वन को निकालना पड़ेगा क्योंकि वाई की वैल्यू वन नहीं हो सकती यहां पर। लेकिन इस बार हम धोखा खा गए, इस बार हम धोखा खा गए, देखो कैसे, ठीक है एक्स को वन नहीं ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दो एक्स को माइनस वन तो ले सकते हैं ना, और अगर एक्स को माइनस वन रखोगे तो फिर वाई वन हो जाएगा, इसका मतलब वाई बराबर वन हमारी रेंज में आना चाहिए, ठीक है एक्स बराबर वन पर भी वाई वन है, लेकिन एक्स बराबर माइनस वन पर भी तो वाई वन है, इसका मतलब वाई की वैल्यू वन होगी क्योंकि एक्स बराबर माइनस वन आप ले सकते हो, इसका मतलब ये जो वन इस बार निकाला वो गलत निकाल दिया, सही आंसर यही था। तो थोड़ा ध्यान से, मतलब एक पॉइंट पर जो आपने वैल्यू को हटाया वही वैल्यू इस वाई ने एक्स की दूसरे पॉइंट पर ले ली, भाई वन देखो जैसे कि अगर मैं समझो अगर मैं वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो ऐसे बनेगा, अच्छा एक्स बराबर वन पर, एक्स बराबर वन पर वाई क्या होगा वन, एक्स बराबर वन पर वाई की वैल्यू क्या होगी वन, और एक्स बराबर माइनस वन पर भी वाई की वैल्यू क्या होगी वन, ठीक है आप वन नहीं ले रहे तो वन पर सर्कल कर दो, ठीक है वन को हटा दिया क्योंकि वन नहीं ले रहे, लेकिन माइनस वन तो ले रहे हो ना, माइनस वन पर वाई की वैल्यू फिर वन हो गई, तो देखो वन हमारी रेंज में आ गया। जैसे आपसे इस फंक्शन की रेंज निकालने को कहा जाए तो क्या निकाल लोगे, जीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि देखो वन मिल रहा है आपको, इधर से मिल रहा है वन, इधर से नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, इधर से वन मिल रहा है, तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई, जीरो टू इन्फिनिटी हो गई। क्या समझे, मजा आया कि नहीं, मजा ना आए तो पैसे वापस बेटा, खैर पैसे मैंने लिए नहीं तुमसे, तुम तो मस्त होके फ्री देख रहे हो यूट्यूब पे हरिओम बाबा का चैनल, लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए हरिओम बाबा का चैनल मस्त होके यूट्यूब पे फ्री देख रहे हो। अरे कोई टेंशन नहीं, पढ़ो यार, मैं किस लिए हूं तुमको पढ़ाने के लिए, पढ़ो मस्त पढ़ो, शिक्षा कोई रोजगार थोड़ी है यार, है ना, एजुकेशन कोई रोजगार थोड़ी है, मस्त पढ़ो, कोई टेंशन मत लेना, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, सब कुछ समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आएगा, समझे ना, तो बड़ा मजेदार सवाल है बेटा ये ये सब हरिओम बाबा का अनुभव है बेटा, कोई टेंशन नहीं है, लिखो जल्दी लिखो फटाफट। चलो बुलाबा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता की, चलो बुलाबा आया है, माता ने बुलाया है, हो मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेश लाया है, चलो बुलाबा। देखो बच्चों ये सवाल अपने पास है, ऐसे सवालों की डोमेन निकालना हमने सीखा था, मैंने खुद अपने हाथों से स्वयं अपने कर कमलों से आपको डोमेन निकालना इसका सिखाया था, कर कमल कर मतलब हाथ, कमल मतलब कमल जैसे हाथ, कर कमलों से सिखाया था। अरे लिखा जाता है यार, कोई बोर्ड वोर्ड हो बनाते हैं, सड़क बनाई जाती, लिखा जाता है कि उन नेताजी के कर कमलों से इसका उद्घाटन किया गया, समझे। खैर चलो, खैर इस सवाल का तुमने डोमेन निकाल लिया था, देखो डोमेन और लॉग एक अलग वीडियो मैंने बनाया था पूरा, क्या करते थे बाहर वाले लॉग को पॉजिटिव करते थे, फिर वो लॉग हटाते थे, इन क्वेश्चन सॉल्व करते थे, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे अगर हमें इसका रेंज चाहिए ना बेटा, रेंज देखो, तो रेंज इसका ध्यान रखना, डोमेन और रेंज के तरीके टोटली अलग अलग होते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं करना। जब डोमेन निकालना सिखाया, डोमेन के सारे मेथड पढ़ो ध्यान से, अब रेंज के देखो बेटा, डोमेन रेंज के बिना मैथ में कुछ है नहीं, हर दिन हर पल 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 इसका यूज होगा, पल पल, समझे, गाना सुना पल 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 याद, बहुत लोग आजकल डीजे बना के इसको डांस करते हैं,
ठीक है। तो खैर रेंज निकालने का तरीका अलग है, डोमेन तुम निकाल चुके हो, देखो डोमेन लॉग की डोमेन को निकालने का मैंने पूरा अलग वीडियो बनाया है, उसको समझो। अब देखो बच्चों रेंज कैसे आएगा इसका, देखो ध्यान दो बच्चों, हमेशा टी मेथड, देखो सबसे पहले काम करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को एक एक करके चलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को टी मान लो। देखो ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया लॉग थ्री बाई फोर टी, ये वाला फंक्शन देखो इसको टी माना, और इसकी रेंज क्या होगी, इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाया था ना मैंने भी, अरे अभी कितनी बार ग्राफ बनाया, इसका वर्टेक्स ये आता है, देखो इसका वर्टेक्स क्या आता है, इसका वर्टेक्स मेरे भाई आता है माइनस वन बाई टू थ्री बाई फोर, ये फंक्शन में से बहुत आता है ना। तो देखो इस फंक्शन का अगर हम रेंज निकालें इसका पूरे का रेंज तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री बाई फोर से इंफिनिटी, देखो ये इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा है ना। y की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई बोलो थ्री बाई फोर, और मैक्सिमम क्या हो गई बोलो इंफिनिटी। तो देखो टी जो टी अपना है ना, टी क्या हो गया, टी हो गया है थ्री बाई फोर से लेकर के इंफिनिटी, समझे, टी मतलब इस फंक्शन की रेंज। अब देखो लॉग फंक्शन को देखो, इसका बेस बेटा वन से कम है तो इसका ग्राफ जो है ना बेटा कुछ ऐसे होता है, जब बेस वन से कम, थ्री बाई फोर बेस है ना, वन से कम है, ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये वाला पॉइंट होता है वन कॉमा जीरो। देखो यहां पर कहीं थ्री बाई फोर होगा, अगर t को 3 बाई फोर लोगे तो इसकी वैल्यू देखो 1 हो जाएगी, 1 है ना। देखिए देखो अगर तुम t को 3 बाई फोर रखोगे तो ये फंक्शन क्या हुआ, log 3 बाई फोर बेस 3 बाई फोर वैल्यू कितनी हो गई 1, log a बेस से कितना होता है 1, देखो y कितना है, देखो t कितना है, t है 3 बाई फोर से इंफिनिटी, t क्या है बोलो 3 बाई फोर से इंफिनिटी, और 3 बाई फोर पर पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 1, देखो यहां 1, ठीक है 3 बाई फोर से इंफिनिटी, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 1, देखो यहां पर 1। तो देखो इसका मतलब ग्राफ का हमें यह हिस्सा दिखाई देगा, इस हिस्से में फंक्शन की रेंज देखो, तो इस पूरे फंक्शन की रेंज क्या हो गई बोलो, वाई की वैल्यू क्या है 1, 1 से लेकर के माइनस इंफिनिटी, देखो वाई की वैल्यू देखो, तो इस पूरे फंक्शन की देखो रेंज क्या हो गई, माइनस इंफिनिटी से वन हो गई है ना, इस पूरे फंक्शन की। अब एक काम करो, इसे ये पूरा फंक्शन है ना, इसकी तुमने ये रेंज निकाली, देखो अब तुम इसको कुछ और मान लो, इसको तुम मान लो ये यू है, यू तो एक्चुअली तुमने जो रेंज निकाली है वो यू फंक्शन की रेंज निकाली है माइनस इंफिनिटी से वन। तो अब देखो y का वैल्यू क्या हुआ, y हो गया log ऑफ u बेस हाफ, देखो ये आ गया log ऑफ u बेस हाफ, इस पूरे को तुमने u मान लिया है ना, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की रेंज हमेशा निकलती है, पहले इसकी रेंज निकाली, उसकी हेल्प से इसकी रेंज निकाली, इसको u मान लिया है ना। तो इसको जब हमने u मान लिया तो अब देखो u की वैल्यू क्या हो गई, माइनस इंफिनिटी से वन हो गई। अब इस फंक्शन को देखो, देखो इसका बेस फिर से वन से कम है, इसका बेस वन से कम है तो इसका ग्राफ देखो फिर ऐसे ही बनेगा। अब यू क्या है बोलो, यू है माइनस इंफिनिटी से वन, तो समझो अब नेगेटिव वैल्यू तो ये यू लेगा नहीं, क्योंकि लॉग के आगे नेगेटिव चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, तो यू क्या करेगा अपनी वैल्यू को जीरो से वन तक ले जाएगा बस, क्योंकि U चूंकि नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, ये बात तुमको मैंने बताई कि अगर कोई टर्म ऐसी वैल्यू ले रहा है लॉग के, देखो तुमको रेंज निकालने से कहा इसमें मैंने बताई थी हर बार ये, तो U अगर नेगेटिव वैल्यू ले रहा है तो उसकी नेगेटिव वैल्यूज को छोड़ दो और U को जीरो से वन शुरू करो, क्योंकि वन इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। देखो अब हमें U, U क्या लेना है बोलो, ये हुआ जीरो ये हुआ वन, तो हमें केवल यहां तक जाना है U से जीरो से वन तक, तो ग्राफ का ये हिस्सा दिखेगा। इस हिस्से में देखो फंक्शन की रेंज क्या हो गई, इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है जीरो, जीरो से इंफिनिटी, तो कुल मिला के पूरे फंक्शन की रेंज क्या हो गई बोलो जीरो से इंफिनिटी। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर, क्योंकि u है जीरो से वन तक, वन पर y की वैल्यू जीरो है, और जीरो से लेकर क्या हो गई बोलो इंफिनिटी, ये हमारे फंक्शन की फाइनली रेंज हो गई, क्या क्लोज इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी।
ठीक बात है बोलो। अरे बात समझेगी नहीं भाई, तो एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा, ऐसे एक के बाद एक कितने भी फंक्शन में लगा दूं, आप हमेशा रेंज को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो रेंज के तुमको मैंने मैक्सिमम सवाल करा दिए बेटा, जितने भी पॉसिबल थे, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे, इधर उधर दबे कुचले छुपे छुपाए सब करा दिए मैंने, ठीक है, छोटे से लेकर बड़े तक सारे क्वेश्चन तुमको मैंने रेंज के करा दिए। अब तुम रेंज के क्वेश्चन कर सकते हो। पहले देखो, जो पहले मैंने एग्जाम्पल कराए हैं उनको ही सीखो, ये सीखने का तरीका है बेटा। जो मैंने सवाल कराए हैं पहले उनको ही बार बार बिना देखे करो, अगर सीखना चाहती हो तो, और नहीं सीखना तो फिर कोई बात नहीं, मजे लो फिर जिंदगी के, लाइफ के मजे लो, घूमो फिरो बढ़िया, गाने सुनो, टीवी पे पब, मोबाइल पे पबजी खेलो, पबजी है ना। और अगर सीखना चाहते हो तो पढ़ाई लिखाई में लग जाओ, और जो एग्जाम्पल मैंने सारे कराए हैं उनको कॉपी पर लिखो और उनको बिना देखे पहले एक बार निकालो। जब वो निकल जाएंगे तो बाकी सारी किताबों के सारे सवाल आप निकाल लोगे, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।